नेनुआ की बहुत ही सिंपल और स्वादिष्ट सब्जी का रेसिपी आज मैं लेके आई हूँ। कढ़ाई में तेल डालने के बाद जब ये तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें तड़का लगाएंगे पचफोड़न मसाला का। थोड़ा सा लहसुन डाल देंगे बारीक कटा हुआ और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देंगे। दो बड़े साइज का प्याज पतले पतले पीसेस में कटे हुए और इन सबको डालकर अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें प्याज को फ्राई नहीं करना है, हल्का ही फ्राई करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। और अब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ नेनुआ। नेनुआ को इसी तरीके से मैंने छोटा छोटा काट लिया है और 1 किलो मैंने नेनुआ लिया था। इसे डालने के बाद खूब अच्छी तरह से मिला देंगे। इस सब्जी को बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसे आप दाल चावल के साथ बनाइए या फिर सिर्फ रोटी के साथ भी बना सकते हैं। दोपहर के खाने में दाल चावल रोटी सब्जी जब हम बनाते हैं तो ये वाला सब्जी बनाइएगा फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है। स्वाद अनुसार नमक डाल के अच्छी तरह से सब्जी को मिला देंगे। एक बार फ्रेंड्स आप हमारे तरीके से इस सब्जी को जरूर से बनाकर खाइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाइएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स सब्जी को चलाने के बाद गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और इसे हम लगभग 15 से 20 मिनट तक के लिए ढक देंगे। बीच बीच में 1 से 2 बार हम खोलकर इसे चला देंगे। इस सब्जी में हमें अलग से पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि नेनुआ में से बहुत ज़्यादा पानी निकल आता है और उसी पानी से हमारी सब्जी भी अच्छी तरह से गल जाती है। इसी तरीके से फ्रेंड्स बीच बीच में हम सब्जी को चलाते रहेंगे। जब ये सब्जी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी तब हम इसे खोलकर गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और खूब अच्छी तरह से पानी को सुखाएंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी सब्जी अच्छी तरह से गल गई है। और अब हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे, सब्जी को खूब अच्छी तरह से भून देंगे। कितनी गाढ़ी आपको ये सब्जी खानी है आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। खूब अच्छी तरह से इसी तरीके से सब्जी को चला देंगे और सारे मिर्च हम इसी तरीके से सब्जी में से निकाल देते हैं क्योंकि ये मिर्च कोई खाता नहीं है, तो हम इसी तरीके से निकाल कर बाहर कर देते हैं। इस सब्जी को फ्रेंड्स आप दोपहर के खाने में भी बना सकते हैं या फिर रात के खाने में भी बना सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये सब्जी खाने में। सिर्फ एक बार फ्रेंड्स हमारे तरीके से इस सब्जी को आप जरूर से बनाइएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। ट्राई जरूर से करिएगा फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।